जाओगे भाई की सालगिरह तो कौन सा तीर मारा? लड़कियों के रोल में ये देखें, ये मेरी बुड्ढी ने मुझसे बनवाया है, तो से गिफ्ट है आपके बच्चे का। ऐसा जो लिचर जिलम टाइप का होना मेरी सालगिरह वाले दिन मेरे खर्चा करा के सुबह की तैयार हुए और हफ्ते से कोई तैयारियां कर रहे हैं, चीजें चीजें मीठा लेके आए भाई वहाँ पे मौजूद है अपने भी हो गया चेहरा सासिंग की है और सबसे आगे उस्ताद पैसे वसूल आ रहे हैं। भाई साहब कुछ और मांग लिया था, सैलेड की बात कर रहे थे, अल्लाह की तरफ से फ्री का सैलेड दे दिए तहसीब वालों ने, पता नहीं खराब है या बच गए या क्या सीन है, रात के 12 होने वाले, चेक करें लाजमत पूरे सब अपना ऑर्डर आ गया, उसके साथ एक और कप फ्री में मिल गया फ्रूट का। भाई साहब अब आए क्रस्टीज में कुछ मीठा लेना है क्योंकि खाना हमारा मीठे के बगैर होते नहीं। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से ठीक ठाक है, बेहतरीन मजे में। तो जनाब सीन्स ऐसे ही रहे हैं कि हम लोग मीठा खाने क्रसिस गए थे, क्रसिस गए तो उन्होंने कहा टाटा बाय बाय क्लोज सब खत्म। तो तहजीब से खैर हमने लिए हॉट डॉग और जैसे कि आपको बताया कि दो किस्म के सैलेड मुफ्ते में खा चुके, पता नहीं क्यों, ये मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि इनको पता है कि रात 12 के बाद आपके भाई की सालगिरह है। और यकीन पहले तो आपको बताऊँ मैं भुला होता सालगिरह मेरी, तो शिरोज साहब ने मुझे याद दिलाया कि भाई तुम्हारी सालगिरह इसलिए हर जगह बंट रहे हैं। क्या बात है भाई पूरे तहजीब को फ्री में दो दो किस्म के सैलेड खिलाए गए और ऑर्डर के साथ हमें पता चला कि हमें कुछ एक और चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री मिली है। अब ये मेरे ख्याल से वो है सर, वो है चिकन पैटी, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आज सजना चिकन पैटी से यार, सर आप कहेंगे नहीं सर, आपको सर मैं भी नहीं खाता है, तेल होती है। चलो मुफ्ते की खा लेंगे। पहले आपके भाई की तबीयत खराब है, आज सुबह से भाई साहब ऐसी वॉमिटिंग और वॉमिटिंग ऊपर से भी और नीचे से भी, ना कुछ खाया जा रहा है बस निकली जा रहा है। ऊपर से हमने तो खाना भी इधर आप खाएंगी ये ले लें। तो जनाब मुफ्ते का था लेकिन नेकी कमा ली हमने, आके किसी को दे दिया जो भूखे होंगे, हम भी हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन वो जरूरतमंद थे तो हम लोग तो भूखे सदियों के भूखे। खैर बता था आपके भाई की सुबह से ऐसी नाजुक सूरत हाल हुई है, भाई साहब कुछ खाने पीने नहीं हो रहा और रात को लेट सोया था, सारी रात नींद नहीं आई। किसी ने पूछा तो सही, कुछ पूछा मैंने कुछ। यार ये जो है ना यूट्यूब का एक बड़ा फायदा कि आप अपने दिल की बात अपने राज है ना इधर कैमरे कर लो, लेकिन सबको बात तो निकाल दे, पहले तो मेरे से बोलने नहीं होता था कैमरे के आगे, अब आपको भाई आई माई सब कुछ बच जाता है। तो जनाब हॉट डॉग लिए हमने तहजीब से और ड्रिंक के लिए देख रहे हैं, फिर ड्रिंक लेंगे उस साथ में कोई मीठा देखते हैं, अगर खुला मिल जाता तो मीठा भी कराते हैं, भाई का भी मीठा कराते हैं, भाई अपने साथ है और फॉर्चुनर रिकॉर्ड और सबसे आगे उस्ताद पैसे वसूल आ रहे हैं। अगले मामला आपको बताते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट कर चुके हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, इंस्टाग्राम भाई को फॉलो भी कर लें। स्टेडियम जी बिस्मिल्लाह करें, चलो जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। तहजीब का हॉट डॉग, यू नीड टिश्यू? या यू वांट मी टू गेट इट फॉर यू? खाने के बाद मिलता है। घर तो पहुंच गया और मुझे लग रहा है घर वालों ने कोई सरप्राइज रखा है, 5-7 मिनट रह गए 12 होने में, तो फिर सब कुछ चेक करूं, ये देखें ये मेरी बुड्ढी ने उसे बनवाया लेकिन मेरे लिए नहीं है किसी के लिए, ये दुनिया में एक बच्चा आया है उनकी तरफ से आना है सुबह, तो उनके सारा साजो सामान है और मुझे तो याद नहीं था कि भाई सेम डे पे मेरी सालगिरह भी आ रही है। तो बाकी तो चल के मामला दिखाते हैं कि एक सेरेमनी हो सकता है, आई थिंक सो, ये ना मैं बेइज्जत हो जाऊं, वही तो ये क्लिप नहीं डालेंगे वरना डाल देंगे। Happy birthday to you.
थैंक यू। The next day. नारे के बाद बना रहे भाई साहब, क्योंकि इसके प्यो के आज जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो ये इसको पप्पू बॉय बना रहे हैं भाई साहब, पार्टी बॉय लगे। बच्चों के बाल बना रहे, बाल बच्चे जा रहे। ओह माय गॉड, यार शायद आपका भाई हो गया। वो दिखाता हूँ, जैकेट में कंफ्यूजन है। ये वाली वैसे पहन नहीं जा सकती क्योंकि आपके भाई ने जूते ब्लैक एंड व्हाइट यूज किए हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं पहनेंगे। आज मौसम जो इतना गर्म नहीं है, इसका मेरा माइंड है ये वाली अपनी फेवरेट जैकेट। ये आप लोगों ने मेरे काफी ब्लॉग्स में देखी होगी। इसको निकालते हैं भाई साहब। बस इट इज कूल लुकिंग गुड, लेकिन द थिंग इज दैट आपका भाई पहनेगा वही वाली जैकेट, तो इसी का खिताब इंतखाब करते हैं कि यही पहनते। बाकी आपसे सलाम दो तो मैंने कर ली थी, नहीं की तो एक दफा फिर से ले लें मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब खैरियत ठीक ठाक बेहतरीन मजेदार हैं। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आज आपके भाई की सालगिरह। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर? तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग अगेन। भाई साहब एक मीठा घी लेने आए हैं। 1350 और 1250 जनाब ऑन द वे हैं। बाकी आपके भाई की ये ब्रेड स्टिक्स के साथ नाश्ता हो रहा है, न्याने अपने को भी खिला दिया और अब निकल रहे जनाब अगली पार्टी की तरफ, जिनको जाके सरप्राइज देना। बर्थडे मेरी है और मैं ही जो है जनाब सरप्राइज देने जा रहा हूँ, अंदाजा लगा। ये भगवान क्या जुलूम है। A few inches later. चौधरी वैसे जा रहा है, लेकिन हम चौधरी ऐसा मुगल होने। ये भाई साहब केक ऑर्डर कराया था एक लेडी से, होममेड बनाती है ये बेगम पकड़े। ये आपको जाके जिधर सेलिब्रेट करेंगे उधर जाके उसके नजारे चेक करेंगे। अरे बच्चा 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 टिक के नहीं बैठना, सारी लेदर राइड मेरी गंदी कर दी। वहाँ से हमारा जो है ऑर्डर आ गया, हमने यहाँ से रिसीव किया। अब हम जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल की जानब, वहाँ पहुँच के आपको अगले सिलसिले मामला चेक कराते हैं। बॉक्स नहीं मिला, ये मिला, इससे गुजारा करेंगे। पहुंच गए, ये सेटअप यहाँ पे छुपा रहे हैं घर के बाहर भी। भाई साहब सामान उठाते उठाते नजर पड़ी इस पे, तो हैप्पी बर्थडे मियां भी लिखा है। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज है। खाने भी आ गए, रोटी देर। बाकी आपके भाई की सालगिरह है, समझ नहीं आ रही मेरी है कि नहीं है। पीछे हो जाते हैं ताकि सिनेमैटिक में अच्छे से आ जाए। तो जनाब सीन्स ऐसे हैं कि अभी आपका भाई गाड़ी में आके बैठे हैं। क्यों बैठा है? क्योंकि ना सनी प्लस की जरूरत ही हो रही है। अभी अभी मैंने फार्मेसी से खरीदा सनी प्लस, क्योंकि इट वाज नीडेड। सुबह सुबह आपका भाई ने जो अपने आप को जख्मी किया है सालगिरह वाले दिन, उसके बाद सदका दे के निकले क्योंकि अल्लाह खैर करसी करसी कर दे तो मरसी मर्सी के नाल एक दो लै के जा सके। तौबा, थारा मूड खराब कर लिया। आपका भाई मौजूद है अपने इन-लॉज की तरफ। इधर क्यों आए हैं? क्योंकि आज के दिन का एक प्लान बना हुआ था और मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि जिस दिन का हम प्लान बना रहे हैं इधर जाने का, तो उसी दिन अपनी मेरी सालगिरह भी है। कल तक भी मुझे याद नहीं था, वो भी दोस्त है उसने मुझे याद दिलाया, कहता भाई क्या सीन है सालगिरह में, किसकी सालगिरह? अंदाजा है बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आपके भाई को भी सरप्राइज यहाँ पे मिलेगा, तो उसकी भी बेगम ने कुछ तैयारियाँ की हुई हैं। ये कि यहाँ पे मेरे जो इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उनका माशाल्लाह बेटा हुआ है, तो बस वो उसके लिए आए हैं। कुछ चीज़ें थी, सुबह के निकले हैं, सुबह के तैयार हुए और हफ्ते से कुछ तैयारियां कर रहे हैं, चीज़ें पूरी कर रहे हैं। कल रात को आपको दिखाया कि वो बैलून पूरा किया, जिसको ऑर्डर दिया था उस बंदे ने स्टिकर ख़राब लगाया, क्योंकि हमने प्लॉटिंग वाला स्टिकर कराना था बैलून के ऊपर, वो नहीं मिला। फिर मैं खुद गया कहीं से स्टिकर कराया जैसे तैसे करके, फिर घर पे लाके खुद कटिंग करके उसको फिक्स किया हमने। तो खैर रोटी छोटी खाएंगे उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे भाई साहब घर पे। टाइम और टाइम जाना है। मेरे दोस्त जो है वो भी बड़ा कह रहे हैं भाई हमें नहीं पता शाम को तूने हमारे साथ मिलना है, सेटिंग करनी। मैंने कहा यार क्या सीन है? कहता यार तू आ, बस तू आ तो बता, तू जल्दी से वेला हो क्या? मैं ठीक है। हसन और शिरोज का कोई प्लान है तो देखते हैं क्या प्लान बनता है। बस इसका क्या ही प्लान बनता है, रोटी छोटी अच्छी सोनी सी कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, बस ये मामला होते हैं। चलते हैं अगले मामला देखते हैं। ये भाई साहब सुबह सुबह
का नाम अंजाम यहाँ पे पुटीने लगी है तो घर की स्लॉब से उतार पे यहाँ पे क्रिक नीचे से जोर पड़ा था यहाँ से क्रैक हो गई। बड़ा दुख होता है यार क्या यहाँ पे आप चेक करें मेरी बर्थडे लेकिन ये सरप्राइज दिन है मेरी सारी मेरी बेगम के कारकुन ने मेरी सालगिरह वाले दिन मेरे खर्चा करा के और जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे ये भाई साहब मिठाई कार्ड वो मीठा फिर ये मीठा फिर ये गिफ्ट 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 फिर पीछे वो ऊपर से ये फुगे फुगे सब सारा खर्चा मुझसे करा के इवन इसका भी खर्चा मुझसे करा के मेरे लिए ये कब के बस खत्म कैसी लगी थैंक यू अब आए ना लाइन पे भाभी हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके बच्चे का खोलो म्यूजिक प्रैंक कर दिया प्रैंक लेकिन अब ये कोई 150 केक पड़े यहाँ पे उसमें से ये वाला मेरा है तो मैं ये काट दे चलो हैप्पी बर्थडे टू यू जनाब फाइनली यहाँ पे अपने मामलात हो गए थे क्लियर बेहतरीन किस्म के और अब हम निकल चुके हैं यहाँ से घर की जानिब घर जाएंगे अपनी बेगम बच्चों को घर पे ड्रॉप करेंगे उसके बाद आपका भाई निकलेगा अपने यारों बैलियों के साथ फिर होगी अपनी पार्टी सारी रात कुछ चलेगा स्मोक सेशन वो नहीं दिखाएंगे लेकिन बाकी जो रोटी पानी खाएंगे वो आपको दिखाएंगे तो लेट अस गोस टू वर्ल्ड्स हाउस जनाब बहुत ठंडी बर्फीली हवा चल रही है ये अपने भाइयों की तरह जनाब गाड़ी कर दी घर के अंदर भाई लोग अपने आ चुके हैं बहुत ठंडी हवा चल रही है अब बॉयज के साथ अपना प्लान है तो देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं वो कह रहे सरप्राइज आपके लिए जहाँ भी जा रहे हैं ऐसी क्या सोच यार अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सैम मारा है यार ये बेगम ने मारा होगा बेगम ने मारना तो ये अंगूठे में मार रहा था कोई खुन्ने शुन्ने खुला था सर सर पटा था ये बचा रहा था ऐसे करके हां से तो मार रहा कैसे कर रहा था मार रहा पड़ी शादी जुदा नहीं लेकिन उसको सब पता किस हमारे खाते नहीं मार खा ले अंगूठे पे आग लगती है हसन आपकी शादी महीने डेढ़ बाद है ना जी जी इधर शक्ल दिखे जख्मी होते नहीं, नहीं, मैं आप बेशक आप भाई साहब ये दूसरा चक्कर हमारा इस जगह पे पार्किंग का बहुत रोल है इधर जो अपने ड्राइवर भाई साहब शराब साहब वो तब गए वहाँ पे कोरोना वाला आ गया ऐसा कोई लिचर जिलम टाइप का होना तंग करके रखे साहब जिंदगी खराब कर दी जनाब पार्किंग उधर तो नहीं मिली नहीं उसके साथ जगह कोई उधर तो पार्किंग लगाई है अब उधर तो जा रहे हैं मेरे ख्याल से भाई लोग लेके आ रहे हैं मैस तो जाके देखते हैं क्या सुरक्षा रहती है वहाँ रश बहुत है पार्किंग नहीं मिली आगे किसी ब्लॉक में हमने गाड़ी पार्क की है गाड़ी लॉक कर दी है ओए ब्रो ब्रो कूल ब्रो आज आपका कॉन्सर्ट है आज क्वाली है साथ गालियां खाने का कॉन्सर्ट है तेरा आज सर नहीं सर लुकिंग चार्म लुकिंग वेरी चार्म लव यू सर लव यू हो गया चेहरा टेस्टिंग की है कि ये आप क्या महसूस कर रहे हो कैसी हुई है वीआईपी लव यू सर इसका ये मैं जरा वेटिंग पे बंदे ने बिठा दिया 5-7 मिनट का वेट बोले उन्होंने 5-7 मिनट में हमें सीट मिल अभी हमारे मेस पे मेस के बाद हम जाएंगे स्वीट होली जहाँ पे कोई मीठा शीटे का निज़ाम चलेगा और उसके साथ प्लेटर मंगवाया प्लेटर आने में टाइम है अब तक इसको स्टार्टअप करते हैं सर थैंक यू सर सर थैंक यू सो काइंड ऑफ यू सर लव यू ऑल भाई साहब बहुत मज़ेदार है बहुत टेस्टी है हाय 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 तेरी लगो से जान के आपकी हमने तभी खुद ही प्लान किया था कि खुद ही फाइनल कहां से मैं स्लो यहाँ तो मैं किसी स्लो तो मेरे उधर आप स्लो मोशन लिखो तेरे घर हो नीचे 20-25 मिनट कम से कम इंतजार करना पड़ता है
यार आ तो जाते हो ना, कभी मैंने बोला है कि ना हो। सही कहते हैं, 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, इसका मतलब ये 15 मिनट में घर से निकलेंगे, उसके बाद आधे घंटे में आएंगे। थोड़ा सा टाइम लग गया था भाई। स्वीट हॉलिंग पे मीठा शीटिंग की सेरेमनी कर लो। इन भाई ने बड़ी मेरे साथ बैठी की है, ये केक पे लिखवा रहे, जो लिखवा रहे मैं वीडियो वो है, मैं वीडियो पे खुद नाम वो डालेंगे भाई साहब, जितना एक्टिव मैं हूं जितना मैं, अल्लाह माफ करे। तौबा 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 भाई साहब, रोटी खा के फुल जहां तक हैवी फुल फुल हुए, इसको तो हिचकी क्या भी आ रही है। मैंने खाया ना आपके सामने, ये आते जरा पैक हुआ है यार, ये पैक किया हुआ है, इसे खाया ही नहीं जाता, क्योंकि जो प्लेटर से चार बंदों का था और हम तीन थे तो एक बंदों का बच गया। अच्छा वैसे लिख वो लिया नाम यार, वो ही लिख रहे थे ना, वो वही लिख रहा। चुप कर बे कुत्ते, जो कह रहे वही लिख रहे थे, इतनी कर रहे भाई साहब, खाना हजम करें, गोश्त मोश बहुत खा लिया, हजम करेंगे भाई। लिखा तो नहीं, लिख दिया भाई यार, ये क्या बताएं, ये भाई आपको बहुत अच्छा लगा यार, ये भाई ने लिखवाई भी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं भाई, कहीं से एक परसेंट भी आता भाई स्लो मोशन में, तू 101% है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, जो भी बदतमीजी की है लेकिन थैंक यू यार, जो भी है अपने भाई हैं, अब उन्होंने केक तो मंगवा दी है, बेशक उस पर ये बदतमीजी लिखाई है, इसको मैंने असलियत कहीं से भी नहीं है। क्या क्या होगा इससे, क्या इससे क्या बनेगा, डाल चुके हैं बेचारा, हो गया 32 साल का, आज 32 नहीं 35 साल का, 31 का, मैं लड़कियों की उम्र में 31 साल का, लेकिन कोई भी हो ना, भी बता दे, 92 ब्रो, आईडी कार्ड चेक करा दो। इस तरह के बच्चे होते हैं जेलम के, जो पैदाइश होने पे घर वाले कंफ्यूज होते हैं। चलो स्टार्ट कर लूँ, घर वाले कंफ्यूज होते हैं, हमारे घर हुआ है नहीं हुआ, तो साल बाद जाके आईडी कार्ड मिलवा। हैप्पी बर्थडे स्लो मोशन, सचमुच में हैप्पी बर्थडे, स्लो काटो ना यार, टेस्ट हो गई है, शाबाश, ये भी नहीं हो रहा और तेरे वैसे गुनाह भूख नहीं माना चाहिए, लेकिन अबे साले यार, यार क्या कर चले जी गाइस, अटैक एक साइज में भाई, पेट हमारे सबके भरे हैं, रोटी खा के गाइस, अपनी मेज में रोटी हो गई है, स्वीट हॉलिक में मीठा हो गया, हाउ वी आर लिविंग बैक टू होम सर, बहुत मजा आया सर, थैंक यू गाइस वेरी वेरी मच, शेरा खुश हो, खुश है बॉस, बॉस बॉस मेरे बॉस का लेवल ऊपर है, कोई लेवल नहीं बॉस का। जनाब इसके साथ ही बॉयज जो है घर ड्रॉप कर रहे हैं, और तहे दिल से शुक्रिया करते हैं इनका भी और उन सब का भी, जिन्होंने बहुत सारा प्यार शो करा है इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे भी, जो मुझे मैसेजेस आए बाकी तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉग तो ऑब्वियसली लेट आएगा, लेकिन 3 मार्च का भाई की सालगिरह होती है, तो जनाब इसके साथ ही यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड, उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अपना इसके साथ ही आपसे लेते हैं इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, लव फेस यू माय, पीस आउट, सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी करना, टेक केयर, स्मोक करने से डे 2 क्या ना, तू वापस ले डे 2 अदर भाई सारे तो भाई लोग लेके एक्सपेंसिव केक लाते हैं, जनाब वैसे तो अपना ब्लॉग एंड हो चुका था, लेकिन नेक्स्ट डे पे अपने और अजीज भाई आए जो मीठा लेके आए, भाई वहाँ पे मौजूद है अपने गुज्जर साहब, अल मशहूर डॉलर उड़ाने वाली सरकार, भाई लोग लेके केक, खूबसूरत, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, बोले मार दी।